खबर बिहार के किशनगंज से, जहां ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने की कई अहम मुद्दों पर बात। आपको बताते चले कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच राज्य पुनर्गठन के समय किशनगंज के रुई धासा मैदान में एक सभा हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की थी। आज सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता इमामुद्दीन के पास। इस वक्त किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के आवास पर हैं। पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। समाचार एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हम जानना चाहेंगे कि जब राज्य पुनर्गठन की बात हुई थी, राज्य पुनर्गठन के समय जब इन हिस्सों को बंगाल में जाने की बात उठी, तो काफ़ी बड़ा जन आक्रोश, जन आंदोलन उस समय हुआ था, जिसमें बिहार के लोग और बंगाल के जो हिस्से उधर जा रहे थे वो लोग भी शामिल थे। तो उस समय बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय विधान चंद्र राय जी और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबू, इन दोनों की काफ़ी बड़ी सभा हुई थी किशनगंज रुई धासा मैदान में। और उन दोनों ने जॉइंटली ये कहा था कि आप इन हिस्सों को जाने दीजिए, इसके एवज में हम आपका क्षतिपूर्ति के रूप में हम आपको एक पैकेज देंगे। हम जो है महानंदा को बांध बनाकर हर गांव को जो है सिंचाई के लिए पानी देंगे, हम तीस्ता से बांध लाके हर खेत को पानी देंगे, जब ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण होगा तो हम जो है ठाकुरगंज के रास्ते, गलगलिया ठाकुरगंज के रास्ते जो है हम ब्रॉडगेज को इसको जोड़ेंगे। उसमें यह भी था कि जब बांग्लादेश और नेपाल को कॉरिडोर देना की बात आएगी, जो इंटरनेशनल रोड बनाने की बात आएगी, तो हम भद्रपुर मेची पुल पे पुल बनाते हुए गलगलिया होते हुए और किशनगंज होते हुए देवीगंज से हम बंगाल को जोड़ेंगे। ऐसी तकरीबन 12 कमिटमेंट हुई थी और जिसके लिए SRC कमीशन का गठन किया गया था। हिस्सा अलग हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें आई, लेकिन दुर्भाग्यवश जानिए कि हमको नहीं मिली, जिसका क्षति हुआ उसको पूर्ति नहीं हुई, बल्कि जो हिस्सा हमारे से अलग हुआ, आज देखिए तिस्ता से बांध बनाकर तिस्ता बैरीगेट से आज बंगाल का चप्पा चप्पा, नॉर्थ बंगाल का चप्पा आपको जो है, दक्षिण दिनाजपुर का जो एक एक चप्पा पे जो है आपको सिंचाई का काम हो रहा है। हमारा जो बांग्लादेश से नेपाल को जोड़ने के इंटरनेशनल रोड की बात हुई थी, वही मेची पुल पे पहले सामान यहाँ गिरा था, जो उठ के बाद में चले गया आपको पानी टंकी, वो भी बना, लेकिन वो क्या बना, आपको पानी टंकी होते हुए, घोसफोकर होते हुए, चेंगड़ा बांधा होते हुए वो चले गया आपको बांग्लादेश। ये सारा हमारा हकमारी हुआ है। जो हकमारी हुई है, क्या विधानसभा हाउस में ये सब सारी मुद्दों को आपने रखा? हमने रखा है, हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, हमने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखा, हमने नीतीश जी से इसके बारे में मुझे लगता है शायद 2 बार हमने काफ़ी विस्तार से हमने उनको ये बताया भी। हाउस में बात आप रखे कि नहीं, हाउस क्वेश्चन में आप अपना मुद्दा? इसमें ये क्वेश्चन है मेरा, मैं आपको उसकी कॉपी भी दे सकता हूँ। उसी को लेके हम लोगों ने 2-3 फिर अचीवमेंट भी किए। हम लोगों ने जैसे मान लीजिए महानंदा बेसिन के लिए आदरणीय मरहूम चचा तस्लीम साहब की लड़ाई चल रही थी, हम लोगों ने उसका भरपूर सपोर्ट किया। हमारे यहाँ मेची नदी आप जानते हो जो पहाड़ से उतरती है और बड़ा बारिश में उसका तांडव होता है, हर साल हजारों एकड़ जमीन खा जाती है हमारी। हमने विधानसभा में कहा कि मेची हमारे ही विधानसभा में आपको गलगलिया से शुरू होती है और जो है भयंकर द्वारी में जाके जो है महानंदा में विलीन हो जाती है। 28 किलोमीटर ये मेची हमारे यहाँ है और जो हर साल हजारों एकड़ जमीन खा जाती है। तो हमारे कहने पर ही जो है मेची को महानंदा बेसिन में शामिल किया गया। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का हम लोगों ने जो है अमान परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, तो हमारे समय में ही अमान परिवर्तन का काम हुआ। रोड का चौड़ीकरण और खास करके ये जो LRP रोड थी जो गलगलिया से आपको अररिया होते हुए जाती थी, जो पाकिस्तान वार के समय में, बांग्लादेश वार के समय बना था, उसके चौड़ीकरण को उसको हम लोगों ने उस समय नेशनल हाईवे में हम लोगों ने इसको ट्रांसफ़र करवाया बिहार सरकार से, जो आप तो 4 लेन होने जा रही है, अब तो नेशनल हाईवे हो गई है, सुपर हाईवे हो गई है। तो हम लोगों ने भरसक जितना हो सकता था हम लोगों ने उस समय प्रयास किया, उसका लाभ मिला। हमारे यहाँ जो कुछ बिरादरियाँ थी जो बहुत पिछड़ी थी, जैसे राजवंशी बिरादरी है, आज भी उनके यहाँ जाइए लोग एक लंगोटा पहन के रहते हैं। हमने लड़ाई लड़ी 8 साल, हमने उन लोगों को आरक्षण दिलवाया और आज देखिए उस समाज के हजारों बच्चे सरकारी नौकरी में चले गए 3-4 साल में। तो जहाँ जो लड़ाई हमने, हमारे यहाँ से हजारों बच्चों पंजाब
और जो है दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, जवान बीवी बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, चूँकि हमारे यहाँ कभी जो रोज़गार का तो कोई इंडस्ट्री नहीं बैठी, एजुकेशन का अभाव रहा, तो हमने कहा कि हमारे यहाँ जाए मजदूर के रूप में नहीं जाए बच्चे, हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर के रूप में जाए, मैकेनिक के रूप में जाए, मजदूर बन के नहीं जाए, रिक्शा टालने के लिए नहीं जाए, वजन उठाने के लिए नहीं जाए। इसी शर्त पे और इसी मामले को दिखा के हमने कन्विंस करके मुख्यमंत्री जी से, जो पॉलिटेक्निक और ITI पूर्णिया खुलने वाला था उसको हमने ठाकुंज लाया ताकि भविष्य में इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहीं खुल जाए। तो ये हम लोगों ने किया है जहाँ तक उस के भरपाई का प्रयास है हम लोगों ने। लेकिन वर्तमान लोगों को तो शायद SRC कमीशन और राज्य पुनर्गठन और इस बंटवारे की कोई जानकारी भी नहीं है, आप पूछिए उनसे। कैमरा पर्सन खलीकुज्जमा के साथ इमामुद्दीन, समाचार एक्सप्रेस।